सब्सक्राइब करें फार्मा माइंड यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राशि सेठ जो 926 नरम आता है इस वैरायटी के बारे में। दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा कितनी पैदावार होती है, कैसी वैरायटी हमें बीजनी चाहिए या नहीं बीजनी चाहिए, क्या मैंने बीजी थी, क्या आप बीज सकते हैं इस बार, तो इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों राशि 926 जो वैरायटी है, राशि जो कंपनी है काफ़ी मशहूर कंपनी है नरमे के अंदर, जिसका 773-776 काफ़ी ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा लोग बीजते हैं मार्केट में। इसमें जब नरमे की बिजाई का टाइम आता है तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है 773 और 776 ज़्यादातर हमारे एरिया में। ठीक है, अब बात करते हैं जो 926 है, ये जो पिछली बार बीजा गया था 2020 में, बहुत ही लिमिटेड किसानों को दिया गया था ये बीज एक ट्रायल के तौर पर। ट्रायल बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इसके एक बार कुछ किसानों को दिया गया था और उनके मैं आपको कुछ नंबर भी बताऊंगा। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो भी देख पा रहे हैं, इनमें जो अलग अलग किसान हैं इन्होंने अलग अलग पैदावार लिए, कहीं उन्हें 30 मन, कहीं उन्हें 42 मन तक पैदावार ली है। तो दोस्तों ये किसान कहते हैं भाई, इन्होंने मैंने भी बात की, मैंने नहीं बीजा था दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने जो इनसे बात की थी उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने 773-776 तो बीजा है, मैं इससे खुश हूँ कि 773 और 776 अच्छी वैरायटी, बट 926 मैंने नहीं बीजा, इसलिए मैं उनसे फ़ोन किया, बात किया, तो उन्होंने बताया कि 926 एक 773 और 776 की अपग्रेड वैरायटी है, अपडेट वैरायटी है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है दूसरी वैरायटी के मुकाबले 773 और 776। दोस्तों ये सेम उसी की तरह बूटा मारता है, बट इसमें जो टिंडे हैं वो लड़ीदार होते हैं, बाकी उनमें इतने लड़ीदार नहीं, उनमें टिंडों की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट 926 में टिंडे जो है थोड़े पास में लगते हैं और टिंडे का साइज 776-773 से भी बड़ा है, जिसके वजह से ये इसका जो प्रति टिंडे का जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है, जिससे भी हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है। ये नॉर्मल बात है, टिंडे का साइज बड़ा होगा तो पैदावार बढ़ेगी। बाकी बात करते हैं बीमारी की, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बीमारी कैसा है कि हाँ जो तेला है, सफ़ेद मक्खी है, जो बीमारी है दूसरे के बजाय जितनी स्प्रे की है उतनी स्प्रे करनी पड़ेगी। बात करें एनपीके, हाँ एनपीके उन्होंने स्प्रे की थी, दो स्प्रे की थी, उन्होंने बताया कि दो स्प्रे की पहले हमने कर दी, एक जब अच्छा पाल उठा लिया, दूसरी जब हमने एक बार चुगाई करने के बाद फिर से करवा दी, तो उसके बावजूद हमें अच्छा पैदावार मिली दूसरी वेरायटी के मुकाबले। उन्होंने ज़्यादा नहीं बीजा था, एक एक कनाल के अंदर ही बीजा था, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइडेड करके एक एकड़ का झाड़ बताया। अब बात करें हमें बीजनी चाहिए या नहीं, दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ बीजनी चाहिए, पर लिमिटेड एरिया में। अगर आप 5 बीघा लगाते हो तो 1 बीघा जरूर लगाएं कम से कम, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ना कीजिएगा कि कहीं 5 बीघा सारे के सारे आप 926 लगा लें तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाई चांस अगर बढ़िया झाड़ ना दे या कोई बीमारी आ जाए, न्यू वैरायटी है दोस्तों, नई वैरायटी पर एक बार विश्वास करना मुश्किल होता है, बट ये एक बढ़िया कंपनी के इसलिए हम बीज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भी। हमें कम से कम थोड़ा लिमिटेड, जैसे हम 100% जितना भी हमारा नरमा बीजते हैं उसका 10% हिस्से में बीज सकते हैं। 10 बीघा बीजते हैं तो 1-2 बीघा जरूर लगाएं, आपको पता चलेगा इस वैरायटी के बारे में। लोगों से ना सुने, अपनी राय चाहे भाई अपने खेत में बीजें और खुद अगली बार इससे भी सारा का सारा आप बीज सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। अगर इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। राशि 926 मैंने आज तक नहीं बीजा, पर इस साल मैं जरूर बीजूंगा, ये मार्केट में अभी अवेलेबल है, मैंने इसके डीलर से भी बात की थी, हाँ मार्केट में ये हमारे मार्केट में अभी अवेलेबल हो भी चुका है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। और एक बात और बताऊँ, राशि 926 जो पिछला मतलब पिछले साल ही मेरे को पता चल गया था कि हाँ ये राशि 926 की न्यू वैरायटी निकाली राशि सीड वालों ने, क्यों राशि सीड वालों के मैं थोड़े टच में भी हूँ, मैं सुपर सीड मैं काफ़ी कंपनियों के टच में रहता हूँ क्योंकि मैं ये वैरायटीज़ बीजता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।